मार्केट राखी वगैरह खरीदने, मैं और रौनित। तो हमने राखियाँ जो हैं खरीदनी हैं और अब हम कर रहे हैं ऑटो का इंतज़ार। बहुत भीड़ है आज मार्केट में। देख रहे हो आप, ये लड़की आ चुकी है ऑफिस से और ये मुझे इतना परेशान करती है कि पता है इसने क्या किया? इसने किया है ये कि मैं आपको बताती हूँ अभी, एक सेकंड। इसने ये किया है कि मैंने इसको बोला कि तू मुझे मिल जाइयो लक्ष्मी नगर में, फ़ोन नहीं उठाती। एक तो दो दो फ़ोन है, किसी लाइक थर्ड क्लास बिल्कुल बकवास फ़ोन है, ठीक है। इसने अच्छा, मैं स्कूटी चलाते हुए फ़ोन उठाऊँ? ऑफिस में ही थी तू तब। फिर इसने क्या किया कि मैंने इसको बोला कि तू चल कल ले आई हो, मैं आज ले आती हूँ। इसको इतना कहने के बाद भी सीधा पहुँच गई है मार्केट में, और मार्केट से आके भी पता है क्या किया इसने, वहाँ से मुझे फ़ोन कर रही है। इसके ऑफिस वाले दरअसल इसको पागल कर चुके हैं, सिर्फ ऑफिस का काम रहता है इसके दिमाग में। वहाँ से आ गई, मुझे रास्ते में मिली, मैं खड़ी हुई थी मदर डेयरी पर ना, मैं छाछ पी रही थी क्योंकि मेरा गला सूख गया था और मुझे ना चक्कर आ रहे थे। वहाँ से पीछे से आके इसने हॉर्न दिया मैडम ने। मैंने कहा ले आई राखी? नहीं मैं नहीं लाई, इसके ये काम है। अब ये कल जाएगी। आपने ले ली ना? हाँ मैंने ले ली। हाँ तो मैं कर ले आऊँ। देख लो इस जरा से चेहरे को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और हम थक चुके हैं। आपको पता है जाने से पहले मैंने क्या किया था? दही रखी थी, उसे कोई खा नहीं रहा था। मैंने आज फिर कड़ी बना दी, कड़ी बना के गई थी पता है मैं। फिर कड़ी खाएंगे आज हम, कड़ी चावल फेवरेट आपके। ये ना हम सबको ऐसे डांटती है लड़की जैसे ये हमारी माँ है। तो मैं इसको सुबह बोल रही हूँ इसकी दादी के नाम से, तो इसके पापा कह रहे नहीं नहीं दादी का नहीं परदादी का नाम लो। तो परदादी का नाम था सरूपो। तो मैं इसको सुबह से कह रही हूँ ओ अम्मा सरूपो चुप रहो जरा, तो ये मुझसे पूछ रही है आपकी दादी का नाम क्या था। मैंने इसे बता दिया मेरी दादी का नाम चंद्रवती था, तो ये कह रही ओ चंद्रवती की पोती। इतनी वो है ये भाई, सच में अपने पापा को ऐसे डांटेगी, मुझे ऐसे डांटेगी। हम तो ऐसे बस इसे, मैं तो इसे माँ ही बोलती हूँ, ये हमारी माँ है मम्मी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। मैं इसको जब वीडियो बनाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ चल आ तेरी वीडियो बनाती हूँ, कहती है मेरी बेइज्जती करोगे। ज्यादा नहीं होगी मेरी बेइज्जती। चलो गाइस, ये तो हमारा रोज का चलता ही रहता है, हर वक्त यही होता रहता है। तो मेरी माँ तेरी माँ। A few moments later, ये राखियाँ दिखाती हूँ है ना, मैं जो लेकर आई हूँ, एक सेकेंड। ये दोनों मतलब ये चारों राखियाँ ना मेरे राधा रानी और कान्हा जी और गोपाल जी के लिए है, और मेरी किशोरी जी के लिए, ठीक है। ये धागे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनको बांधो ना काफ़ी दिन तक हाथ में रहते हैं ये। और ये जो हैं राखियाँ हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों मेरे भाइयों के लिए हैं, ये भतीजों के लिए हैं, और ये दो भाई हैं और उनके लिए हैं, और ये वाली जो है ये पूजने के लिए हैं। इन राखियों से ना पूजते हैं, आई होप कि आप भी पूछते ही होंगे सब लोग रक्षाबंधन। यहाँ पे डिनर तैयार है, देख लो आप कड़ी क्या मस्त बनाई है ना मैंने, है ना। सो यहाँ पे प्याज है सैलेड में आज और राइस। सो फर्स्ट बाइट मैं आप लोगों को देती हूँ, और जिस जिसके भी मुंह में पानी आएगा ना मुझे बता देना। सो फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, और इसी के साथ गुड नाइट बाय बाय। The next day. So guys, यहाँ बना रही हूँ मैं पोहा अपने लिए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले तो लाइट ही चली गई, फिर उसके बाद मैंने 11 बजे ये बनाया, 11:45 बजे। सो गाइज, पोहा बनाना बहुत इजी है, बट ना पता है जब इसमें मैं ये सब्जियाँ डालती हूँ, टमाटर हरी मिर्च, तो ना जो इसका कलर आता है ना वो मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकल एक चीज़ है, एक थॉट होता है इंसान के मन में, मेरे में तो है ये। मैं सबका तो नहीं बता सकती कि खाना जितना प्रेजेंटेशन उसकी सुंदर होगी और खाना जितना देखने में सुंदर होगा ना, उतना ही ज़्यादा उसको खाने में अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइड होगा इंसान का मन। तो मुझे ऐसा लगता है ये पोहा सच में इतना सुंदर बना था ना, और बहुत यम्मी भी बना था। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आज देख लीजिए कौन से पैन में बना रही हूँ। सो ये शुगर फ्री चाय है, मतलब चीनी नहीं डालती हूँ मैं इसमें, और देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ना।
सो गाइज कैसे हैं आप, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग गाइज। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, क्योंकि पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं नाश्ते की प्लेट लेकर आई हूँ कमरे में, वैसे ही ना बेल बज गई। फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया था तो वो आ गया। फिर मैं वो सामान जो था वो 275 का था, मेरे पास चेंज नहीं था। फिर कोई है नहीं घर में, मेरे फ़ोन में फ़ोन पे वगैरह कुछ नहीं है, मेरे को यूज़ भी करना नहीं आता। तो फिर मैंने उसको 500 ही दिए, वो चेंज करा के दे के गया मुझे। तो मेरा नाश्ता ठंडा हो गया, बट मैंने कर लिया। सो गाइस कैसे हैं आप? तो राखी की शॉपिंग तो मैं कल करके आ गई थी, और पता है क्या हुआ, मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ वहाँ पे। अब आप ये बोलोगे कि ऐसे ही बोलती है, अब मैं वही तो बोल रही हूँ जो हुआ है ना। और फिर ऑटो नहीं मिल रहा था, इतना रश था ना कल मार्केट में। और फिर क्या हुआ कि मेरे को ना ऐसे लगने लगा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा, चक्कर आने लगे। पता ही हुआ क्या था कि सुबह 10:30 मैंने नाश्ता किया था कल। हाँ, सुबह 10:30 मैंने नाश्ता किया है, रात को मैंने 11 डिनर किया है। तो 12-13 घंटे का डिफरेंस था मेरे फास्टिंग पीरियड में और मेरे सेकंड मील में। मैंने सेकंड मील कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी मतलब कुछ भी, पता नहीं क्या ही आदत है, ना फ्रूट खाना है ना कुछ खाना है। कभी कभी तो जोश में आ जाती हूँ मैं, नहीं आज मुझे सेब भी खाना है, आज मुझे ये भी करना है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि बस खा लिया, ख़त्म, पानी पियो, पूरे दिन पानी पी पी कर मेरा ठीक रहता है, भूख भी नहीं लगती। फिर पानी पी लो ना तो फिर भूख नहीं लगती है। तो नन्नू मुझे डांटता हुआ ला रहा, कह रहा कि खाती नहीं हो ना इसलिए चक्कर आ रहा है आपको, खाया मत करो आप बिल्कुल कुछ भी। तो मैंने अभी नाश्ता कर लिया, अभी वो आएगा, किसी काम से गया हुआ है और वो आएगा 2 तक, तो फिर उसको खाना दूंगी गर्म करके, तब मैं कुछ खा लूँगी फ्रूट वगैरह। सो अभी आज शाम को मुझे जाना है कान्हा जी के कपड़े लेने, वो मैं अपने यहीं से मार्केट से लूँगी, क्योंकि उस वाली मार्केट में मुझे अच्छे नहीं लगे थे, इतने महंगे थे। महंगे की तो चलो देखी भी जाए, बट वो बहुत बेकार थे। वो सारे कपड़े मेरे पास हैं, पुराने टाइप्स थे मतलब, तो फिर मैं इसलिए लेकर नहीं आई। सो चलिए मैं जो है अभी थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज देखिए मेरी मेहंदी, और इस हाथ की भी देख लीजिए, अभी उतना कलर नहीं आया तो, क्योंकि मैंने मेहंदी ना भिगोई नहीं है। तो प्रियंका बना रही खिचड़ी, गाइज हमारे जो कपड़े हैं, हमारे सूट जो है वो सिल के आ गए हैं दोनों के, ठीक है। हाँ, मैं इसके लिए जो लाई हूँ ना वो मतलब मेरा तो सिल्क का है, इसका नॉन सिल्क है, कॉटन में है। इसने पहले तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि सूट पहनती नहीं है तो पसंद भी नहीं आते, बाद में कह रही है रंग बिरंगा ले आए हो, ऐसे करती है ये लड़की। तो कल ये सूट पहनेगी, और चलिए अब ये जाएगी मेहंदी लगवाने, और मैं लगवा चुकी हूँ जैसे कि आपको पता है। तो इसकी तो इसकी मेहंदी दिखाएंगे हम कल, और अब हम जो है खिचड़ी विचड़ी खा के ये मेहंदी लगवाने जा रही है, और फिर हम क्राइम पेट्रोल देखेंगे और फिर सो जाएंगे। क्राइम पेट्रोल देखेंगे, हाँ मैं क्राइम पेट्रोल देखेंगे। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी, ताकि मेरा चैनल चल जाए। सुन ही नहीं रहे हो हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल, कर लो प्लीज, ठीक है। और चलिए मैं आपको मिलूंगी अब कल सज धज के, आप लोग भी सजेंगे धजेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।